हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बी ए पार्ट टू। ओके, आज हमारा टॉपिक है मादक द्रव्य व्यसन, ड्रग एडिक्शन। ओके स्टूडेंट, मादक द्रव्य व्यसन। संसार के अन्य देशों की तरह भारत में भी मादक पदार्थों का सेवन का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से रहा है। ओके, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में आज मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित व्यवहार प्रतिमानों में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, प्राचीन काल से ही मकुपान तथा दूसरे मादक पदार्थों का सेवन आज के संभ्रांत वर्ग तक सीमित था, लेकिन आज इस समस्या का रूप मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में सबसे अधिक गंभीर है। ओके, सबसे अधिक क्या है? गंभीर है। किसी भी उत्सव हो या फिर कोई भी त्यौहार हो या प्रसन्नता हो या दुख हो, सभी में मकुपान को एक फैशन के रूप में देखा जाने लगा है। औद्योगिक नगरों के श्रमिक तथा बहुत कम आय वाले निम्न वर्गों के अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में शराब, इसमें हशीश, हेरोइन, गांजा, चरस, भांग, इस प्रकार के दूसरे मादक पदार्थों के सेवन के आदि होते जा रहे हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि मादक पदार्थ व्यक्ति में उत्साह और प्रसन्नता पैदा करके उसकी कार्यकुशलता और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं, पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि एक बार कोई भी अगर मकपान या किसी मादक पदार्थ का अगर सेवन करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति पर उसका नियंत्रण बंद हो जाता है। मतलब व्यक्ति उस कंट्रोल नहीं कर पाता है और व्यक्ति का जीवन इस तरह से असामान्य होने लगता है कि उसे उचित और अनुचित का बोध भी नहीं रहता है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मादक द्रव्य व्यसन एक व्यापक अवधारणा है जिसमें शराब के सेवन के साथ मादकता पैदा करने वाले किसी भी जड़ी बूटी या रासायनिक प्रक्रिया में बनाए गए पदार्थ का उपयोग करने की आदत का समावेश होता है। इस स्थिति में आवश्यक है कि हम मादक द्रव्य व्यसन की समस्या को समझने के लिए मकवान तथा दूसरे मादक पदार्थों से संबंधित समस्या का भी विश्लेषण करें। ओके, अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एल्कोहलिज्म। एबनॉर्मल एडिक्शन इज एल्कोहल इज एल्कोहलिज्म। इन द सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द मीनिंग ऑफ द ड्रग एडिक्शन, शराब का अर्थ क्या होता है? जो मादक पदार्थ होते हैं उनका अर्थ क्या होता है? शराब का सेवन करना है, तथा जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसे मग से भी एल्कोहलिक कहते हैं। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि मकपान का अर्थ केवल अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना है। इस संबंध में इलियट तथा मैरिल ने लिखा है, कभी कभी अथवा कम मात्रा में शराब पीना मकपान नहीं है, एक समस्या के रूप में अधिक मात्रा में शराब पीना ही मकपान है। इस कथन को अधिक उपयुक्त नहीं माना जा सकता। शराब की किस मात्रा को अधिक कहा जा सकता है और किसे कम, इसका निर्धारण कर सकना बहुत ही कठिन है। इस दृष्टिकोण से आवश्यक है क्योंकि मकपान के अर्थ को कुछ अन्य परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट किया जाए। फेयर चाइल्ड के अनुसार शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मकपान है। इससे स्पष्ट होता है व्यक्ति जब एक आदत के रूप में अधिक शराब पीने लगता है तब इसी दशा को मकपान कहा जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मद्यपान नशे की बहदशा है, जो किसी मादक पदार्थ के निरंतर सेवन से पैदा होती है और जो कुछ देर तक या सदैव व्यक्ति को इस नशे में चूर रखती है, जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार मदसेवी का तात्पर्य अधिक नशा करने वाले उस व्यक्ति से है जिसकी शराब पर इतनी निर्भरता बढ़ जाती है, इतनी अधिक निर्भरता बढ़ जाती है कि इसके कारण व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अकॉर्डिंग टू टेकचंद, अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शराब पीने या किसी मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न होने वाली बुरी आदत अथवा बीमारी ही मद्यपान है। यह वह दशा है जो मनुष्य की आत्मा, मन और शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उसे पतन की ओर ले जाती है। इन सभी कथनों से स्पष्ट होता है मद्यपान का तात्पर्य उस दशा से है जिसमें व्यक्ति एक आदत के रूप में शराब का सेवन करने लगता है, जो उसके स्वास्थ्य और मानसिक जीवन को प्रतिकूल रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरी बात क्या है कि द मीनिंग ऑफ द ड्रग एडिक्शन, मद्यपान का तात्पर्य उन तरल पदार्थों के सेवन से भी है जो व्यक्ति में मादकता उत्पन्न करते हैं। ओके, इस प्रकार विदेशी शराब है, देशी शराब है, टिंचर, स्प्रे तथा नशा पैदा करने वाले अल्कोहल का सेवन करना ही मद्यपान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मद्यपान एक समस्या के रूप में। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मद्यपान को मैं चोरी, यहाँ तक कि वैश्यवृत्ति से भी अधिक बुरा मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बुराइयाँ मद्यपान से पैदा होती हैं। इसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने स्वतंत्रता के बाद देश में मद्य निषेध पर इसलिए जोर दिया नहीं है क्योंकि शराब के उत्पादन से मिलने वाला आबकारी कर एक्सीज ड्यूटी सरकार की आय का एक बड़ा साधन बन गया है। इसके फलस्वरूप जैसे जैसे भारत में शराब का उत्पादन बढ़ा, विभिन्न वर्गों द्वारा इसके उपयोग में भी वृद्धि होने लगी। समस्या की गंभीरता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि सन 1970 में भारत में शराब का उत्पादन जहां केवल 60 लाख लीटर था, वहीं 2008 तक यह उत्पादन बढ़कर 18 करोड़ लीटर वार्षिक से भी अधिक हो गया है। सन 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में ही संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू हो जाने के कारण इसके उत्पादन में काफ़ी कमी हुई। लोग चोरी छिपे देश में मद्यपान की प्रवृत्ति में अधिक कमी नहीं हो सकी, मतलब लोग चोरी छिपे भी इसको खरीद रहे थे। भारत में इस समय गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी तौर पर पूर्ण मद्य निषेध का कानून है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहां भी मद्यपान का सभी वर्गों में प्रचलन है। भारत में शराब का सबसे ज्यादा उपयोग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब में होता है। आज गैर कानूनी ढंग से गाँव और कस्बों में शराब की भट्टियों में बड़ी मात्रा में शराब का उत्पादन किया जा रहा है। इस समय समाज के मध्यम वर्ग तथा शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों में मद्यपान का प्रचलन सबसे अधिक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मादक द्रव्य व्यसन अर्थ तथा समस्या। ओके, अब है मद्यपान का मादक द्रव्य व्यसन अर्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में मादक द्रव्य व्यसन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मादक द्रव्य व्यसन कम या अधिक समय के लिए उन्माद की वह दशा है जो किसी नशीले पदार्थ के लगातार उपयोग से उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करती है। ओके, मेमोरिया ने लिखा है कि मादक द्रव्य व्यसन देशी अथवा रासायनिक पदार्थों से बनी उन मादक वस्तुओं के सेवन पर होने वाली निर्भरता है
जो एक आदत के रूप में व्यक्ति के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती रहती है। इसका तात्पर्य है, मादक द्रव्य व्यसन को यदि मादक द्रव्य निर्भरता कहा जाए तो इससे इस समस्या की प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।